हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्षांश एंड मॉम्स लोग। तो आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है जन्माष्टमी से एक दिन पहले मॉर्निंग में। तो कुंज स्कूल चला गया है रेडी होकर के, क्योंकि आ जाता है और अब है लाडो की बारी। तो आज लाडो को राधा बन के जाना है और लाडो का फेस आप देख सकते थे वो पहले नहाने के बाद, और अब देखिए अब मैं करने वाली हूँ इसका मेकअप। तो मेकअप के लिए जैसे मैंने बोला है ना, आइज़ क्लोज करो, ये करो करो, तो अब बिल्कुल प्रॉपर ऐसे करी। और उससे पहले ना जाने के लिए तैयार नहीं थी, मना कर रही थी स्कूल जाने के लिए। फिर मैंने बोला कि आज राधा बन के जाना है, तो फिर उसके बाद रेडी हो रही है। अब मैं करूँगी इसका थोड़ा वो, जो भी थोड़ा वो टचअप करना है, वो आईलाइनर वगैरह लगाना है, थोड़ा अच्छे से रेडी करके पूरा राधा रानी बना के लाडो को भेजना था। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इसको आई शेडो, और मैंने यहाँ पर पिंक कलर की लगाई थी, पिंक वाली आई शेडो लगाई थी। और मैं पहले आई शेडो लगाने के बाद ना, उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पर लाइनर, क्योंकि फिर ये ख़राब कर लेगी। तो मैं इस वो लगाऊंगी स्टिक वाला, स्केच पेन वाला जो होता है ना, वो वाला लगाऊंगी। तो स्केच टाइप जो आजकल लाइनर चला हुआ है, तो मैं धीरे से लगाऊँगी उसे आइज़ क्लोज करने के बाद। थोड़ा लगता है ना, मतलब मेकअप सा फेस पे तो भारी सा लगता है। मम्मा कह रही थी, मम्मा ये अजीब सा लग रहा है आँखों के ऊपर। अभी तो आराम से रेडी हो रही है, लेकिन उसके बाद जब बोल रही थी, परेशान हो जाते हैं बच्चे ना रोज़ जब फ्री होते हैं और उसके बाद फिर ऐसे हैवी हैवी से कपड़ों में। तो ये जब स्कूल से आई थी ना, इसने तभी चेंज करा लिया था। तो अभी बस अब हमारा हो रहा है लाडो का मेकअप, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ लाडो का फुल लुक कैसा है। तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि लाडो राधा रानी लग रही थी या नहीं। तो ये है लाडो का फुल लुक। आप मुझे बताइएगा कि लाडो कैसी लग रही है। और ये मटकी ना इसकी मतलब पहले हम लाए थे, ये बड़ी ले आए थे, तो उसके बाद फिर ये छोटी लाए थे, और ये रात को आई थी 11 बजे। उसके बाद इसमें ना नीचे ये नहीं लटकाने वाला नहीं लगा हुआ था, तो उसके बाद मैंने इसे चिपकाया, रात को रखा इसे, मॉर्निंग में ही रेडी हुई। और अभी ये अपनी मटकी वगैरह लेके अब ये स्कूल जाने के लिए खड़ी है यहाँ पर। तो ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं, और अगर आप पूछेंगे तो ये जो मैंने नेक पीस पहनाया है लाडो को, तो ये मीशो से ही है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। अगर आप बाय करना चाहें तो इसे ज़रूर से ज़रूर बाय करें। और ये इसका हॉल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आ गया होगा अगर आपको देखनी है तो। और कुछ मैंने इस तरीके से किया था, ऊपर ना छोटी छोटी जो स्टोन वाली वो थी ना, बिंदी थी, वो मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने उसे घूम घूम के जैसे इसको लगा दिया है। और उनके बीच बीच में मैंने वो लगा दिए थे पिंक कलर की, वो कुमकुम जो आती है वो लगा दी थी। और उसके बाद ये लाडो का फुल लुक है। अब लाडो जाएगी स्कूल, लाडो यहाँ पर परेशान हो रही है। स्कूल जाते टाइम तो ना हमेशा रोती है, रोज़ रोती है स्कूल जाने में। रेडी हो जाएगी, नाश्ता कर लेगी, सब कर लेगी, लेकिन स्कूल जाने में जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में भी, कि ये बस इसे ये बुलवाना है कि मम्मा आप ही आना। मैं बोलूँगी हाँ मैं ही आऊँगी, तो फिर बस मुझे इसे नीचे तक छोड़ने भी आना पड़ा। उस दिन कुंज की थी छुट्टी, सैटरडे की भी कुंज का ऑफ होता है, तो ये सैटरडे की ही वीडियो है। तो आज कुंज भी जा रहा है इसको छोड़ने, फिर ये ले आएंगे इसको बाद में। तो यहाँ पर लाडो जा रही है स्कूल, लाडो अब स्कूल के लिए निकल चुकी है।
अभी टाइम हुआ है 12:30 बज चुके हैं। मैं लाड़ों को लेने आई हूँ। तो ये लाड़ों की स्कूल की डेकोरेशन हुई है कुछ इस तरीके से जन्माष्टमी की, और इनकी फ़ोटोज़ और वीडियोस आ गई थी पहले ही। तो यहाँ पर बच्चों के चल रहे इंजॉयमेंट, कुंजी भी वहाँ पर झूलों पे झूल रहा है, और अब बस हम चले जाएंगे घर पे। तो यहाँ पर क्योंकि क्या हुआ था, क्या होता है कि मैं लाड़ों को ना रिक्शे से लेके आती हूँ, तो आज अम्मा ने बोला था स्पेशली कि लेके आना है लाड़ों को घर से लेके जाना। तो बस हम पहले मतलब अम्मा के पास जाएंगे, उसके बाद हम घर जाएंगे, तो टाइम थोड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर अब बच्चों ने बोला कि मम्मा हमें झूला झूलना है, तो अभी झूल रहे हैं अपना झूला, और उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे घर के लिए। तो अभी बच्चों ने अपना लंच वगैरह भी कर लिया था, और टाइम हुआ है अभी 4 बजे के आसपास टाइम हो गया है। और यहाँ पर क्या हुआ था कि मम्मी ना मतलब माता रानी का वो श्रृंगार कर रही थी, और मुझे कान्हा जी का श्रृंगार करना था, तो बस हम इसलिए बैठे हुए थे। और जो नेल पेंट था ना, मम्मी ने नेल पेंट लिया हुआ था, और यहाँ पर यहाँ देखो इनकी अलग ही चल रही है, कुंज लाड़ों को लगा रहा है। कुंज लाड़ों ने ना मुझसे बोला था कि मम्मा मुझे नेल पेंट लगा दो, तो मैंने मना कर दिया, तो वो भाई जी के पास लेकर के गई है, और भाई जी अब उसको लगा रहे हैं नेल पेंट। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी ने जो माता रानी जी का श्रृंगार किया है, अभी कर ही रही हैं, अभी काफ़ी मतलब स्टार्ट ही हुआ है अभी तो करना। तो मम्मी जो सारा श्रृंगार है मम्मी करेंगी, और मैं बस इनकी आँखों का मतलब श्रृंगार करूँगी, बाकी सब कुछ मम्मी ही करेंगी इसमें। और मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि हम कान्हा जी का श्रृंगार कैसे करेंगे, और शालिग्राम भगवान जी का भी श्रृंगार कैसे हमने किया था, ये भी मैं अब आपको आगे दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बताइएगा अगर कुछ आपको लगे कि हमें कैसे करना चाहिए था, और आपको कान्हा जी का श्रृंगार कैसा लगा, माता रानी का श्रृंगार कैसा लगा, और शालिग्राम भगवान जी का श्रृंगार कैसा लगा। तो अभी हम करते हैं स्टार्ट यहाँ पर। तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी राधा रानी कैसी लगी। आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसमें आज राधा रानी भी बनी है हमारी लाड़ो, और अब हम भगवान जी का श्रृंगार करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। Thank you.
तो हमारा कान्हा जी का श्रृंगार ऑलमोस्ट हो ही चुका है। अभी मैं आपको इन्हें सामने से दिखाऊंगी कि कैसा हुआ है। आईज़ थोड़ा मैंने आईज़ में क्या किया था पहले, हम मतलब हमारी ना आईज़ वाइट वाली लगी हुई है तो उनके सेंटर में वो ब्लैक ब्लैक बना हुआ था, तो मैंने क्या किया था उनको मतलब पहले ब्लैक उससे लाइनर से आउटलाइनिंग करी उनकी। आउटलाइन करने के बाद फिर आईब्रोज़ बनाई और आईब्रोज़ के नीचे मैंने लाइट पिंक कलर किया था और उसके बाद ब्लू कलर से उनके सेंटर में वो बना दी और फिर सिल्वर वाली मैंने डॉट लगाई थी। तो कुछ अगर आप देख पा रहे होंगे आपको शो भी हो रहा होगा थोड़ा सा, तो कुछ इस तरीके से हमारे कान्हा जी का श्रृंगार हमने घर पर ही कर लिया है। और बहुत मन था मतलब ऐसे ना करते तो हम हर बार ही हैं लेकिन इस तरीके की आईज़ नहीं बनाई थी, हर बार डिफरेंट डिफरेंट कुछ ऐसे करते थे, पूरी प्रॉपर ऐसे ब्लू आईज़ नहीं बन पाती थी और अब की बार ये बिल्कुल ऐसे ही बन गई है भगवान जी की। और अभी ना इनको थोड़ा सूखने के लिए हमने कलर्स को रख दिया है क्योंकि क्या होता है कि फिर वो चिपक जाएंगे। हमने ना अर्सेलिक कलर नहीं किए थे, हमने नेल पेंट वाला जो कलर होता है वो वाला कलर किया था और अभी थोड़ी देर के लिए हमने इनको रख दिया है। मंदिर की सफाई पहले ही हो चुकी थी, मंदिर की धुलाई वगैरह सब कुछ हो गई थी और अभी हमने शालिग्राम भगवान जी का भी मतलब श्रृंगार किया था। तो शालिग्राम भगवान जी की अगर आपको श्रृंगार कैसे करते हैं वो वाली वीडियो देखनी है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ मम्मी ने कुछ कुछ बताया था कि मतलब ऐसे इसमें ये कर दो, तो मैंने आईज़ का ही किया था श्रृंगार, बाकी सारा मम्मी ने ही किया था। इसमें थोड़ा थोड़ा जो मम्मी ने बताया वो मैंने कर दिया और माता रानी जी का श्रृंगार मम्मी ने किया था और कान्हा जी का और शालिग्राम जी का मैंने किया था। यहाँ पर बच्चे भी लगे हुए हैं, पता है यहाँ पर कुंज क्या कर रहा है आप देखिए पीछे से जो लगा रहा है वो, यहाँ पर इसे ना बहुत ने क्या किया था उसके पीछे कान्हा जी की आईज़ को उसने और ज़्यादा ब्लैक कर दिया था तो उसकी वजह से उसे बहुत तेज़ ही डांट पड़ी थी यहाँ पर। और यहाँ मैं शालिग्राम भगवान जी की भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ये अगर आपको देखनी है तो ये कुछ इस तरीके से श्रृंगार हुआ था और इनके ऊपर अभी हमने मतलब कलावी की गुत बनाई थी, फिर वो पगड़ी के रूप में हमने बाद में लगाई थी अभी थोड़ी देर बाद में, क्योंकि पहले ये सूख जाए कलर इधर उधर ना कहीं भी वो हो, क्योंकि सूख जाने के बाद फिर प्रॉपर से अच्छे तरीके से हम बाकी का काम करेंगे। मंदिर की सफाई ऑलरेडी हो गई थी, बस ड्रॉवर वगैरह साफ़ करनी थी तो वो काम हमने इसके बाद किया था। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अपने अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, शेयर करिए और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अगर आपको थोड़ा भी व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।